नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। मैं हूं आपके साथ शिवानी। सिवान के दरौंदा से निर्दलीय प्रत्याशी करणजीत सिंह और व्यास सिंह की जीत हो चुकी है। आपको बता दें कि दरौंदा से अजय कुमार सिंह जो कि जदयू के प्रत्याशी हैं और राजद के प्रत्याशी उमेश कुमार सिंह को उन्होंने कड़ी टक्कर दी है लगभग 15,000 वोटों से, जहां वो आगे चल रहे थे और जिस तरह से खबरें सामने आई है कि वहां से वो उनकी जीत जो साफ तौर पर उनके समर्थकों द्वारा दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से उनके समर्थक जो है वो खुशी की लहर में झूम उठे हैं और ढोल ताशे बजाते हुए वो लगातार जीत का जश्न मना रहे हैं। जिस तरह से अगर हम देख रहे हैं आंकड़ों की बात करें अगर हम तो बेलहर में जिस तरह से जदयू और राजद के बीच कड़ी टक्कर चल रही थी, कहीं ना कहीं दरौंदा में भी साफ तौर पे जदयू और राजद की ही टक्कर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर उठापटक हुआ है, जिस तरह से आप देख सकते हैं इन तमाम तस्वीरों में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वहां पर लोग खड़े हैं, किस तरह से जीत की खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बेलहर में जिस तरह से राजद के रामदेव यादव आगे चल रहे थे, वही लगातार अभी आपको बता दें समस्तीपुर में प्रिंस राज लगातार आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी से। लगातार आंकड़े जो है वो सामने आते रह रहे हैं। कुछ ही घंटों में अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने भी आंकड़े हैं कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट्स भी आ सकता है। 2020 के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले के जिस तरह से सेमीफाइनल मैच इसे कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां जो हैं उन्होंने बीते दिनों हर तरह से कोशिश की थी अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने की। हालांकि आखिर में जनता के हाथों में तमाम फैसले थे, तो जनता ने 20 तारीख को अपने वोट दे करके निर्णय एक जगह रख दिया था और आज उन तमाम निर्णयों का जिस तरह से रिजल्ट आने वाला है उससे साफ तौर पे जिस तरह से नतीजे अभी तक के सामने है, कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो अभी भी लगातार जारी है। अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 11। नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।